वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जिला मोहम्मद में कबाली आमायदीन से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जनाब महमूद खान सीएम पख्तूनख्वा, गवर्नर साहब, मोजिज हजरात, मुमन के लीडर्स, बुजुर्ग नौजवान, मैं सबसे पहले आपको अपनी हुकूमत की पॉलिसी बताना चाहता हूं। जो भी कोई हुकूमत होती है उसका कोई नजरिया होता है और वो नजरिया उसका रोड मैप होता है, यानी नजरिया बताता है कि वो हुकूमत किस तरफ जा रही है। तो मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि मेरा नजरिया वो है जो मदीना की रियासत जिस असूलों पे खड़ी हुई थी वो है हमारा नजरिया, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली एक इस्लाम की रियासत बनाई थी वो एक नजरिए पे बनी थी। वो नजरिया क्या है? वो नजरिया ये है कि एक रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कमजोर तबके को ऊपर लेके आए। वो कमजोर तबका खुद ऊपर नहीं आ सकता, उसको मदद की जरूरत होती है। और रियासत की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अपने कमजोर लोगों को, जिस तरह दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई गई मदीना में, कभी दुनिया में कोई सोच नहीं थी फलाई रियासत की, मदीना की रियासत में उन्होंने जिम्मेदारी ली बेवाओं, यतीमों, मजूरों, बूढ़ों को, गरीबों को। और दुनिया की तारीख में इस तरह का इनकलाब आया ही नहीं कि वो लोग जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी वो उन्होंने दुनिया की इमामत की कई सौ साल तक। तो ये हमारा मुल्क भी, जो हमारे इलामा इकबाल और कायदे आजम की सोच थी वही थी इस्लामी फलाई रियासत। तो जब ये आप मेरा नजरिया देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि हम किस रास्ते पर निकल रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे कमजोर तबका है हम उसको ऊपर उठाएं, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज वो हों कमजोर तबके को ऊपर लाने के लिए। और जब आप कमजोर तबके की बात करते हैं तो आप वो इलाकों की बात करते हैं जो पीछे रह जाते हैं। कई जब मुल्क में तरक्की होती है तो जो तरक्की होनी चाहिए वो सबको ऊपर उठाने के लिए होनी चाहिए, ये नहीं कि एक इलाका ऊपर चला जाए और बाकी मुल्क पीछे रह जाए। लिहाजा मेरा बड़ा वाज़े मौकफ है कबायली इलाके के ऊपर, बलूचिस्तान पे, और कई हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब में, मसलन डीजी खान, मियांवाली, ये सब पीछे रह गए हैं। सिंध के कई इलाके अंदरून सिंध में पीछे रह गए हैं। तो लिहाजा जो इलाके सबसे पीछे रह गए हैं उनमें कबायली इलाका सबसे नुमाया है, क्योंकि जो सिस्टम बना था कबायली इलाके का, कबायली इलाका का स्पेशल स्टेटस था। पाकिस्तान के सिर्फ 44 कानून कबायली इलाकों में लागू थे। तो कबायली इलाके की किसी ने, क्योंकि कबायली इलाके की वोट से तो कोई इक्तदार में नहीं आता था, ना सेंटर में और ना, तब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, अब सूबा पख्तूनख्वा, इसमें तो उसको कबायली इलाके की वोट की जरूरत नहीं थी। तो जिस तरह सिंध के अंदर जो पार्टी अंदरून सिंध से आती है वो कराची के लिए कुछ नहीं करती, तो कराची के जो आजकल बुरे हालात हैं इसलिए कि जो पार्टी वोट लेके आती है वो तो अंदरून सिंध से लेके आती है, तो उनके लिए डेवलपमेंट करती है। उससे पहले ये जो पंजाब के अंदर नून लीग का गढ़ सेंट्रल पंजाब था,
और लाहौर असल में गढ़ था, तो वो डेवलपमेंट एक ही जगह पे ले जाती थी, बाकी इलाके पीछे रह जाते थे। हमारा मौकफ ये है कि जो इलाके पीछे रह गए हैं, हमने सबसे ज्यादा उनके ऊपर तवज्जो देनी है। और मैं जब आपको ये कहता हूं कि इंशाल्लाह महमूद खान बात ठीक कहते हैं कि जब इंशाल्लाह हम बात करते हैं कबायली इलाके की, हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा फंड्स कबायली इलाके के ऊपर खर्च करें। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि हालांकि हमारे सूबों ने यह वादा भी किया था हमारे आने से पहले कि 3% वो अपने NFC अवार्ड सारे सूबे देंगे कबायली इलाके को, लेकिन अब हमने जब हमें हुकूमत मिली तो वो सूबे तैयार नहीं हैं अपने वो फंड देने के लिए जो उन्होंने वादा किया हुआ था। मैं उनको याद कराता हूं कि हमारे दीन के अंदर, कुरान के अंदर ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि अपने वादों को पूरा करो। मुसलमान अपने वादे पे खड़ा होता है, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इन सारे सूबों से जो बाकी सूबे हैं, पख्तूनख्वा ने तो अपना शेयर दे दिया, लेकिन बाकी सूबे कहते हैं जी आगे ही बड़े बुरे हालात हैं, आगे हमें पैसा नहीं पूरा मिल रहा, क्योंकि मुल्क के तो आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से हालात बुरे हैं। ठीक होने वाले थे, फिर कोरोना आ गई, कोरोना की वजह से हमारे पैसा कम इकट्ठा हुआ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि पख्तून जो हमारा इंजमाम हुआ इलाके हैं, पुराना कबायली इलाका, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हम जो फंड्स, बाकी अगर इलाकों को फंड्स नहीं भी मिलते, कम अज कम कबायली इलाके और बलूचिस्तान को पूरे फंड्स मिलने चाहिए। जो महमूद खान आपने बात की कि जो आपको डेवलपमेंट के लिए कबायली इलाके के लिए फंड्स चाहिए, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरा जोर लगा रहे हैं, और आपको पता है कि प्लानिंग को मैंने पूरा कहा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को कि कबायली इलाके के लिए आप कहीं से भी फंड्स पूरे करें, क्योंकि मुझे एक और खदशा है, हमारे दुश्मन उन लोगों के साथ पूरी तरह उनके साथ रابطے में हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अनासर जो नहीं चाहते ये इंजमाम कबायली इलाके का और पख्तूनख्वा का, वो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई इंतशार फैलाया जाए। जो मुल्क से बाहर दुश्मन हैं वो इस तरह के अनासर को पूरी तरह फंड भी करते हैं और बार बार कोशिश करते हैं कि किसी तरह रुकावटें डाली जाए ये जो इंजमाम हुआ है। इसलिए और भी ज्यादा जरूरत है कि हम कबायली इलाके के ऊपर पूरी तरह डेवलपमेंट में कोई कसर ना छोड़ें। और ये जो इंजमाम की वजह से एक और चीज हुई कि ये जो तजारत करते थे या जो चीजें लेके आते थे अफगानिस्तान से, वहां अब वो बाढ़ लग गई है जो लगनी भी चाहिए स्मगलिंग रोकने के लिए, क्योंकि स्मगलिंग पाकिस्तान को तबाह कर रही है। हमारी इंडस्ट्री नहीं डेवलप होती स्मगलिंग की वजह से। इंडस्ट्री अगर नहीं डेवलप होगी, हम रोजगारी इन लोगों को दे सकेंगे अपने नौजवान आबादी को? और दूसरी चीज, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। अगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान कभी भी ये कर्जों की दलदल से नहीं निकल सकता, तो उसके लिए हमें स्मगलिंग तो रोकनी है। लेकिन वो लोग जो वहां, पहले तो बॉर्डर था ही नहीं, उनके लिए बॉर्डर मार्केट्स खोलनी शुरू करने लगे हैं। पूरी हमारी तैयारी हो रही है कि बॉर्डर मार्केट्स खुलें ताकि वहां जो लोग जो तजारत करते थे अफगानिस्तान से, उनके लिए मौके फराहम हो रोजगार के। और एक और बड़ी खुशखबरी है कि अफगानिस्तान के में जो अब अमन की तरफ डायलॉग शुरू हो गया है तालिबान का और अफगान गवर्नमेंट का, हम सब दुआ करते हैं कि ये कामयाब हो जाए। इधर भी हमें खौफ है कि ऐसे अनासर बैठे हुए हैं, ऐसे मुल्क जो नहीं चाहते कि ये अमन हो अफगानिस्तान में, और हम सब दुआ करते हैं कि अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाए तो ये सारा कबायली इलाका, इस सब में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि तजारत शुरू हो जाएगी।
यहां से सेंट्रल एशिया तक मौका मिलेगा तजारत करने का, तो वो खुशहाली आएगी जो अभी तक बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है कबायली इलाके में वो खुशहाली नहीं आई। और अब इंशाल्लाह अगर ये जिस तरफ जा रहा है अमन का बातचीत, और इंशाल्लाह अगर ये आगे बढ़ती है तो सारा कबायली इलाका सब में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी तजारत की वजह से। मैं आखिर में महमूद खान आपको पूरी अपनी तरफ से और अपनी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये पूरा आपको इतमाद से कहता हूं कि हर किस्म का आपके साथ आपकी मदद की जाएगी कि ये जो कबायली इलाके जो आपका हिस्सा बने पख्तूनख्वा का, इनकी हर किस्म की मदद की जाए, हर किस्म के फंड्स दिए जाएं, हर किस्म की डेवलपमेंट की जाए, क्योंकि यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वजह उसकी ये कि 70 सालों में ये कबायली इलाका पीछे रह चुका है, सबसे ज़्यादा गुर्बत यहाँ है, सबसे कम तालीम इस इलाके में है, सबसे कम रोज़गार इस इलाके में, यहाँ से लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है रोज़गार लेने के लिए। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस इलाके में इंडस्ट्री भी लगे, और इंडस्ट्री वो लगे जो एक्सपोर्ट कर सके, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में। जो एक और बहुत बड़ा जरिया माश इस सारे इलाके में हो सकता है, जैतून, हम कोशिश कर रहे हैं सब इस इलाके में जैतून के दरख्त लगाएं। ये जो हमने स्टडी किया है यहाँ से लेके नीचे वजीरिस्तान तक, ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा जिधर जैतून के दरख्त बेहतरीन उगते हैं। और अगर ये अगले 3-4 साल तक जो हम दरख्त उगा रहे हैं, ये आपको यही इस इलाके में इतनी आमदनी दे देगा कि आपको किसी को भी तक अंदाज़ा नहीं, क्योंकि जो जैतून है वो दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हम जो बाहर से इतना ज़्यादा जो तेल यानी घी वो जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं वो भी हमें नहीं करना पड़ेगा, और ये इससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, और इस सारे इलाके में इंशाल्लाह खुशहाली भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।